हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट की रेसिपी जिसे हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। बहुत ही हेल्दी है। इसमें हमने मैदा, सूजी, चावल का आटा कुछ भी यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल प्योर गेहूं के आटे से बना है और बहुत ही हेल्दी है। यदि थोड़ी भी आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो नॉर्मली हम आटा रोज़ लगाते हैं रोटी बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए, वही आटा मैंने यूज़ किया है। तो इसका हम बड़ा सा एक पेड़ा ले लेते हैं और पेड़ा लेने के बाद एक चपाती, जैसे हम रोज़ बनाते हैं ठीक उसी तरीके से इसकी चपाती बेल लेते हैं। और चपाती बेलने के बाद या तो आप इसको नॉर्मली जो हमने चपाती बेली है उससे भी बना सकते हैं, या आपको बिल्कुल सारे एक ही साइज़ के बनाने हैं तो उसके लिए आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, उससे कटिंग कर सकते हैं ताकि ये सारे सैंडविच हमारे बिल्कुल एक ही साइज़ के बनके तैयार हो जाएं। तो जितने आपको बनाने हैं उतनी रोटियां आप तैयार कर लीजिएगा इस साइज की। यदि आपके पास ग्रिल वाला तवा है तो फिर ये वाला स्टेप आप छोड़ दीजिएगा। जिसके पास ग्रिल वाला तवा नहीं है तो उसके लिए मैं ये स्टेप बता रही हूँ, या तो आप चिमटा ले लीजिएगा या कोई भी तरीके से चुटकी जिससे अच्छी सी हो जाए, या हाथों की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे हमारे पास ग्रिल वाला तवा नहीं है तो वो कैसे करें, तो वो इस तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं। हम प्लेन भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लेन नहीं बनेगा, प्लेन भी बन जाएगा, लेकिन मैं आपको ये एक स्टेप एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि कभी भी इस तरीके से आपका बनाने का मन करे तो इस तरीके से आप चिमटे से डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो ये मैंने चार बना के तैयार कर ली हैं। तो आगे इसकी स्टफिंग के लिए पैन में लेना है हल्का सा सरसों का तेल, इसमें जीरा, आप चाहो तो सरसों भी यूज़ कर सकते हैं, राई या सरसों, एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ी सी मटर ली है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा ही लेना है। लाल मिर्च पाउडर जितना आप तीखा चाहो, थोड़ा सा मैंने ये मैगी का मसाला लिया है, हल्का सा अमचूर पाउडर, थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें आप मैजी के मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी मसाले का फ्लेवर आपको अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग। बिल्कुल फर्स्ट क्लास तीखी ये स्टफिंग हमें तैयार करनी है। उबले हुए आलू को फोड़ लेते हैं, इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। स्टफिंग में जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो, इसमें आप सिरका वगैरह का भी यदि फ्लेवर देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे सोया सॉस वगैरह या सिरके का किसी किसी को फ्लेवर बहुत पसंद होता है तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बिल्कुल साधारण स्टफिंग तैयार की है, आप स्टफिंग अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा। इसमें चाहो तो पनीर भी डाल सकते हो। तो यहाँ चपाती में बैक साइड लूँगी जिधर से हमने ज़्यादा सेकी है, उसके ऊपर लगाएंगे ये टमाटो केचप लगा रही हूँ। आपको तीखा बनाना है तो रेड चिली सॉस भी आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैं लूँगी यहाँ पे चीज़, तो इसको ग्रेट कर लेते हैं, जितना आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कस लीजिएगा। तो फ़िलहाल मैं पूरी चपाती पर लगा रही हूँ, आपको जैसे भी इसमें लगाना हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कम या ज़्यादा लगा लीजिएगा। मैंने नॉर्मल लिया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लिया है। जो स्टफिंग है उसे थोड़ा ठंडा कर लिया है मैंने, एकदम गरम गरम नहीं भरना है। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसके ऊपर आधे में हमें लेयर लगानी है, पूरे पे लेयर नहीं लगानी है। जितनी स्टफिंग आपको पसंद हो, मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाऊँगी और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लगाऊँगी। और इसे जहाँ वो लाइन है इस तरीके से हमें मोड़ना है, तो ये ऊपर डिज़ाइन आपका इस तरीके से आ जाएगा। इसे हल्के हाथों से ही प्रेस करेंगे और जो इस तरह से मुंह खुला हुआ है इसे उंगली की हेल्प से स्टफिंग को बिल्कुल बढ़िया से सेट कर देते हैं। ये देखिएगा, अभी से इसका लुक देखिए आप कितना फर्स्ट क्लास लग रहा है। और जब हम इसे बिल्कुल कंप्लीट लुक देंगे तो ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है और देखने में भी बहुत सुंदर होता है। तो इस तरीके से आप सारे बना के तैयार कर लीजिएगा। यदि आपके पास ग्रिल वाला तवा है या पैन है तो ये डिज़ाइन आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे भी ये अच्छा लगता है डिज़ाइन, थोड़ा नया लुक मिल जाता है। तो यहाँ मैं ये सारे तैयार कर लेती हूँ। फ़िलहाल मैं एक और बता देती हूँ आपको, ये देखिए चीज़ अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इस तरीके से हम सारे ये कंप्लीट कर लेते हैं।
और यहाँ पैन में लिया है मैंने 1 चम्मच देसी घी, बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना है, यहाँ बटर का भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ देसी घी लिया है और इसमें इस तरीके से इसे छोड़ देते हैं। बहुत कम घी में, जैसे आधी चम्मच घी है या उससे भी कम है उसमें मत बनाइएगा, थोड़ा सा 1 चम्मच भर के ले लीजिएगा घी। यदि थोड़ा ऑयली नहीं खाना है आपको तो ये बिना घी के भी आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा घी डाल के या मक्खन डाल के बनाएंगे तो और ज़्यादा कुरकुरा और खस्ता ये बनके तैयार होगा। और इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल सुनहरा होने तक हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इजी तरीके से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मेन है हम रोटी पराठा बना के इस स्टफिंग के साथ खा सकते हैं, इस स्टफिंग का पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही स्वाद दें। जैसे जैसे आप रेसिपी चेंज करोगे उसका स्वाद भी चेंज होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं गेहूं के आटे से बहुत ही फर्स्ट क्लास हमारा ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो चुका है। इसे मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी, बहुत ही खस्ता और फर्स्ट क्लास है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे टमाटो केचप है या धनिया की चटनी है, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो। तो फिलहाल मुझे तो ये धनिया की चटनी से बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को ये टमाटो केचप से बहुत पसंद है, उन्हें टिफ़िन में भी आप बना के दे सकते हैं। ये देखिए मैं तोड़ के दिखाऊंगी और आप देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनी हुई है ये, जो मार्केट की पेटीज़ वगैरह खाते हो उससे बढ़िया है कि घर में बिल्कुल फ्रेश बनाएँ और बच्चों को खिलाएँ, और बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होता है। यदि आपको थोड़ी भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।